प्रदेश सरकार ने बस संचालन के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन उक्त आदेश के बाद अभी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि कोरोना काल में 5 माह के समय में बसों के पहियों में जंग लग गया। वहीं शासन ने टैक्स माफी की बात पर बस संचालन का आदेश जारी कर दिया, लेकिन आधे अधूरे आदेश की बात पर इंदौर संभाग के 8 जिलों में बस सेवा पूर्ण रूप से बंद है। इसी क्रम में इंदौर संभाग के 8 जिलों का बस संचालक संघ खरगोन के दामखेड़ा मंदिर परिसर में इकट्ठा हुआ और अपनी मांगों को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में संघ ने बताया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी तो संघ उग्र आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये जो शासन ने टैक्स माफ किया 5.5 माह का, और उससे हम संतुष्ट नहीं है। अभी हमारा ये कहना है कि कोरोना काल के अंदर सभी कुछ कॉलेज, स्कूल, कोर्ट कचहरी, सभी न्यायालय वगैरह बंद है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी बंद है। हम ये चाहते हैं कि बसों का टैक्स जो है दिसंबर तक माफ़ किया जाए, क्योंकि अभी संचालन करने में बसों में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इस संबंध में कोई बैठक हुई है आपकी? आज इंदौर संभाग स्तरीय हमारी बैठक का आयोजन यहाँ दामखेड़ा मंदिर परिसर के अंदर किया गया था, जिसमें 8 जिलों के जिला अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हुए थे, जिसमें सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि जिस दिन तक सीएम साहब आश्वासन सीएम साहब से मिल गया हमें, जो हमारी मांगे थी उसके लिए 3-4 दिन का उन्होंने समय मांगा है, 15 तारीख तक हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तत्पश्चात 16 तारीख से वाहनों का संचालन 25% किया जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक मिलने के बाद फिर 50% और फिर 100% के हिसाब से किया जाएगा। ये जो निर्णय आपने लिया, क्या प्रदेश स्तरीय? नहीं, ये हमारा इंदौर संभाग स्तरीय है। तो मुख्य मांगे क्या थी आपकी? मुख्य मांगे ये है कि हमारा जिस कोरोना काल की अवधि के अंदर हमारी जो बसें खड़ी है, इसका बीमा जो है वो बीमे की अवधि को भी 6 माह एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि हमारी गाड़ियां तो रोड पे चली नहीं है। दूसरा, जिस दिन से हमने गाड़ियां खड़ी करी है उस दिन से आज तक 17 रुपये लीटर डीजल की वृद्धि हुई है, तो पर बस के ऊपर 1000 रुपये अतिरिक्त तो भार पड़ेगा। उस हिसाब से हमने बसों में किराया वृद्धि की मांग की है। तीसरा, ये है चालक परिचालक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी कुछ मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि उनको भी मिलना चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम 16 तारीख के बाद फिर बैठक करेंगे समाज स्तरीय, उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा आगे क्या रणनीति क्या करना है। कुछ स्थानों पर ये कहा जा रहा है कि बसें संचालन शुरू हो गया है बसों का? नहीं, हमारे इंदौर संभाग के अंदर जो 8 जिले हैं, 8 जिलों में कहीं भी संचालन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सभी जो अध्यक्ष हैं सभी की सहमति हुई है और ऐसी सहमति बनी भी है कि अगर आपको करा भी है, किसी ने 1-2 गाड़ियाँ चालू हुई है तो आप समय बंद हो जाएगी। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, प्राइवेट बस ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।